हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस वर्ड में आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन का यूज़ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे, विंडो पर जाएंगे और उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। प्रोग्राम ओपन होने के बाद हम आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बताएंगे। सबसे पहले इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे होम टैब पर जाएंगे तो देखिए क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन दिखता है। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, लोग कमेंट करके पूछते हैं, सर इस ऑप्शन का यूज़ करके बताइए। तो आज हम इस ऑप्शन का यूज़ करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ वर्ड कर लेते हैं, शॉर्टकट में टाइप कर लेते हैं, जैसे इक्वल रैंड RAND ओपन ब्रेकट क्लोज ब्रेकट, इंटर कर देंगे, ये वर्ड आ गया। इसको हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये आप लोगों को भी दिखे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि इसमें हम कलर इसका चेंज कर देते हैं, जैसे इसको हम रेड कलर ले लेते हैं और इसको बोल्ड लगा देते हैं, इटैलिक भी लगा देते हैं। ठीक है, इतना फॉर्मेट इसमें लग गया है। क्या क्या लगा है, कलर चेंज हुआ है, बोल्ड, इटैलिक, ठीक। और इसके बाद हमको इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। ये इसका फॉर्मेट हो गया, फॉन्ट स्टाइल इसको अपराजिता लगा देते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट लग गया। दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ यहाँ पे क्या इसलिए होता है, जैसे कि मैंने इसमें क्या क्या लगाया, टेक्स्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, प्लस इसमें फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। अब नीचे का जो पैराग्राफ है इसको भी इसी स्टाइल में हमको रखना है। भाई एक एक करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। शॉर्टली जो हमको करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl Shift C। फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे ब्रश जैसा शो करने लगा है। जितने भी वर्ड में हमको ये फॉर्मेट देना है, जैसे कि क्या फॉर्मेट था, टेक्स्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ से आप उतने टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इतना पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये फॉर्मेट इसमें भी लग गया। देखिए जो फॉर्मेट यहाँ पर लगा था वही फॉर्मेट इसमें भी लग गया। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का यूज़। अब जैसे एक बार फिर देख लीजिए, नीचे वाले टेक्स्ट में जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतने में ये फॉर्मेट लग जाएगा। जब भी फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे सिलेक्शन लगा रहेगा, यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे ब्रश टाइप में शो करेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ यही होता है, किसी भी जो वर्ड होता है उसमें जो भी फॉर्मेट देना होता है फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये फॉर्मेट लग जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट वर्ड आर्ट के लिए, वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं और इसमें पिक्चर कैसे लगाते हैं। जो टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है उसमें पिक्चर, कलर की जगह पिक्चर लगाया जाता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।